नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो पटना यूनिवर्सिटी से अलग होकर 12 जुलाई 1960 को बना रांची विश्वविद्यालय झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। अब जो ग्रेजुएशन 3 साल का होता था वो अब 4 साल का हो जाएगा, और इस तरह से अगर आप बीच में भी अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं तो अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ एक ही एकेडमिक ईयर में आप एक से अधिक कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये सब के बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्या। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है 21वीं सदी का प्रथम शिक्षा नीति है, जो कि स्थान लेगा 1986 का शिक्षा नीति को। अब ये शिक्षा नीति का अगर बात किया जाए तो देश में सबसे पहला शिक्षा नीति जो आया था कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन पे 1968 को आया था। तो इस प्रकार ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया जा रहा है 21वीं सदी में, वो तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, या इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सिफारिश की गई है वो कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में जो तैयार समिति था उसके द्वारा किया गया है। कस्तूरी रंजन आपको पता होगा इसरो के ये चेयरमैन रह चुके हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें मुख्य प्रावधान इसमें क्या है, सभी प्रावधान को देखना अभी तो संभव नहीं, क्योंकि अभी हम लोग उसके बारे में रांची यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग वहां पे समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग मेन जो रिकमेंडेशन था उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो स्कूली शिक्षा के बारे में दिया गया था कि 3 से 6 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको, उनके लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका और प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यानी उन लोगों के लिए जो कि 3 से 6 वर्ष के अंतर्गत आते हैं, उनके शिक्षा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसके लिए सरकार यहाँ पे सुनिश्चितता उपलब्ध कराएगी। आगे अगर हम बात करें 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को सार्वभौमिकरण किया जाएगा। यानी शिक्षा के लक्ष्य को 100% तक अचीवमेंट प्राप्त करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। जो अभी हम लोग शिक्षा अगर हम देखें साक्षरता दर, तो लगभग 74.4% के आसपास शिक्षा दर है 2011 के डाटा के अनुसार। तो अब यहाँ पे अगर नामांकन 100% होगा तो हम लोग भी शिक्षा जो है उसका स्तर को 100% तक ले जाएंगे, यानी साक्षरता दर है उसको 100% पहुंचाने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ कहा जा रहा है कि छठे ग्रेड तक यहाँ व्यवसायिक, छठी ग्रेड से ही व्यवसायिक शिक्षा शुरू किया जाएगा। यानी टेक्निकल जो शिक्षा है वो आपको छठे क्लास से ही दिया जाएगा, ताकि आगे चल के आपको रोजगार को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी ना उठाना पड़े। तो इस तरह से टेक्निकल शिक्षा पे यहाँ पे जोर दिया गया है। साथ ही साथ इस शिक्षा नीति के सबसे यहाँ खास बात अगर हम देखें तो कहा गया है कक्षा 5 तक बच्चे की मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम से के रूप में उपयोग किया जाएगा। यानी जो बच्चों को शिक्षा दिया जाता है कक्षा 5 तक, उसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम लोग जो है अपनी स्थानीय भाषा को इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम झारखंड का ही बात करें, जिसमें रांची जिला का अगर बात करें, तो यहाँ पे नागपुरी जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पे बोला जाता है, अगर हम सदानी भाषा के तौर पर हम जाने, जनजाति लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ उड़ाव मुख्य रूप से रहते हैं जो कि कुड़ुख भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है स्कूल में इसका शिक्षा नहीं दिया जाता है, इसके कारण बच्चे जो है वो नागपुरी और कुड़ुख जैसे स्थानीय भाषा को भूलते जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि प्रतियोगिता परीक्षा में जब हम लोग तैयारी करते हैं, तो पता होगा कि जेपीएससी में मेंस में भी 150 नंबर का आपका यहाँ पे एक नागपुरी रीजनल लैंग्वेज होता है जिसको लिखना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर हम जेएसएससी का बात करें तो उसमें भी अधिकतर जो एग्जाम होते हैं इसमें एक सिंगल पेपर होता है जो कि लैंग्वेज पेपर होता है, और उसमें 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनल लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। अगर हम रीजनल लैंग्वेज को ध्यान ना दें तो आगे चल के बच्चे जो है वो पिछड़ जाएंगे। यानी कि अगर नागपुरी वो नहीं पढ़े तो आगे चल के इसको कैसे वो अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो इसीलिए, और देखिए स्थानीय शिक्षा का अगर हम स्थानीय भाषा में अगर शिक्षा दिया जाता है तो वो स्थानीय संस्कृति, भाषा, सभ्यता, अपने सभ्यता और संस्कृति से जुड़ पाते हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छा चीज है कि 5 वर्ष के बच्चे को यहाँ पे मातृ शिक्षा दिया जाना है। उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे आज का न्यूज़पेपर में जो दिया गया था, रांची विश्वविद्यालय जो है अब 4 साल का ग्रेजुएशन देगा। तो अगर आप 1 साल में अगर आप पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं, 1 साल पढ़ते हैं और पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल आप पढ़ाई करते हैं और उसके बाद अगर छोड़ देते हैं, तो आपको डिप्लोमा यहाँ पे का, एडवांस डिप्लोमा का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। अगर आप 3 साल करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री यहाँ पे दिया जाएगा, और 4 साल करते हैं तब आपको बैचलर रिसर्च ऑनर्स डिग्री यहाँ पे दिया जाएगा। और जब तक आप बैचलर रिसर्च ऑनर्स डिग्री नहीं कीजिएगा तब तक पीजी में एडमिशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे दिया गया है पेपर में भी
कि पीजी में नामांकन करने के लिए रिसर्च ऑनर्स से ही होगा, यानी रिसर्च ऑनर्स आप 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिएगा तब जाके आपको पीजी में एडमिशन मिलने वाला है। तो अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है आने वाले समय में तो आपको 4 साल का कोर्स को पूरा करना होगा। और इस तरह एक चीज और यहाँ पे दिया गया है, इसका फायदा नई शिक्षा नीति का क्या फायदा होगा, तो दिया गया है एक साथ आप 2 संस्थाओं में पढ़ने की सुविधा है, यानी कि यहाँ पे आप जेवियर कॉलेज के साथ साथ रांची कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं या मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ सकते हैं या आप डोरंडा कॉलेज में कर सकते हैं, और सब्जेक्ट आपका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि मान चलिए रांची कॉलेज में आप फिजिक्स अगर कर रहे हैं तो मारवाड़ी कॉलेज में आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्स को पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे छूट दिया गया। साथ ही साथ यहाँ एक और सुविधा दिया है कि होता क्या था कि हम लोगों को अभी एक निश्चित समय में अपना ग्रेजुएशन का डिग्री को पूरा करना होता है, लेकिन अब यहाँ पे जैसे इग्नू वगैरह में होता था कि यहाँ पे आपको 6 साल का टाइम दिया जाता था, वहां 3 साल का जो कोर्स है उसको 6 साल दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं तो आप 10 साल के अंदर अंदर उसको फिर से कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो 10 साल के बाद भी पूरा कोर्स कर सकते हैं, इस तरह का यहाँ पे ये सुविधा दिया गया है। लेकिन अभी तक झारखंड राज्य में एक ही ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि इस शिक्षा नीति को लागू किया है। इसी के सामने नीचे अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है रांची यूनिवर्सिटी के समीप ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय जो है पुराने नीति के अनुसार ही स्नातक स्तरीय कोर्स में एडमिशन चल रहा है। यानी कि अगर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का बात करें तो पुराने नीति में ही एडमिशन हो रहा है, वो लोग अपडेशन अब करेंगे उसके बाद वहां पे हो सकता है एडमिशन वहां पे चला। लेकिन फिलहाल अभी यहां पे कुलपति जी का यहां पे डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी का यहां पे कहा गया है कि यहां पे इस चांसलर पोर्टल के माध्यम से स्नातक के सभी स्ट्रीम में यहां नामांकन शुरू हो जाएंगे। ये नामांकन जो है 27 अगस्त 2022 से यहां पे शुरू होगा यूजी में एडमिशन के लिए। तो अगर आप का प्लस टू कंप्लीट हो गया है तो आप जो है रांची यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका कोर्स जो होगा वो 4 साल का होगा और आप एक साथ दो दो कोर्स कर सकते हैं, और बीच में भी अगर आपका पढ़ाई छूट जाता है तो आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा और कुछ समय के बाद आप जो है अगर चाहें तो उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में अगर आपको एमए करना है तो 4 साल का कोर्स आपको कंप्लीट करना होगा। इसके साथ ही दिया गया है अब एमफिल डिग्री को समाप्त, जैसे पीएचडी करने के लिए पहले एमफिल करना पड़ता था तो अब एमफिल डिग्री को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़ के जितने भी समस्त उच्च शिक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय है इंस्टीट्यूशन है उसमें के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से रांची का सॉरी झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय बन गया है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला है। तो आज का जो महत्वपूर्ण खबर था वो इतना ही था। आगे देखते रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।